क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? किसने किसको और क्यों बांधी थी सबसे पहली राखी? इसी विषय में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। नमस्ते प्रिय दर्शकों, भगवान के वामन अवतार के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार भगवान छोटे से ब्राह्मण का रूप लेकर बलि राजा के पास गए, जो कि समग्र पृथ्वी और स्वर्ग पे उस समय उसका आधिपत्य था। वामन रूप में भगवान ने बलि राजा को 3 कदम धरती देने का संकल्प कराया और फिर अपना वास्तविक विराट रूप लेकर केवल 2 ही कदमों में समग्र पृथ्वी और स्वर्ग ले लिया। और जब अपना 3रा कदम कहाँ रखूं ऐसा पूछने पर बलिराजा ने कहा कि अब मेरे आधिपत्य में केवल मैं स्वयं ही बचा हूँ, आप मेरे सिर पे अपना 3रा कदम रख दीजिए। और फिर विराट स्वरूप में भगवान विष्णु ने उसके सिर पे अपना 3रा कदम रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया, साथ ही उसे पाताल लोक का साम्राज्य भी दिया। बलिराजा की ऐसी निष्ठा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलिराजा ने उनसे कहा कि आप मेरे पाताल लोक की रखवाली कीजिए। तब भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए और उन्हें वहीं पाताल लोक में रहना पड़ा। जब नारद मुनि द्वारा लक्ष्मी जी को ये बात पता चली तो वे तुरंत ही पाताल लोक गई। वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। वहां जाकर उन्होंने बलिराजा से भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन बलिराजा ने मना कर दिया। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपना भाई बना लूं तो? ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने बलिराजा की कलाई पे रक्षा का धागा बांधकर अपना भाई बनाया। तब बलिराजा ने भी उन्हें अपनी बहन मानकर राखी के बदले वरदान मांगने को कहा। उसी वक्त लक्ष्मी जी ने अपने पति भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए कहा और तब जाके बलिराजा ने भगवान विष्णु को पाताल लोक की रखवाली से मुक्त किया। तब से लेकर आज तक हर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है और इसके बदले भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ भेंट भी देता है। दर्शकों, जब बहन बड़े प्यार से आपकी कलाई पे रक्षा का धागा बांधती है तो आपकी रक्षा स्वयं भगवान को भी करनी पड़ती है, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप हर हाल में अपनी बहन की रक्षा करें और बहन के द्वारा बांधी गई राखी के बदले उसकी हर इच्छा हर ख्वाहिश पूरी करें। तभी आप दोनों के बीच का जो बंधन है वो और भी मजबूत होगा और आपका रिश्ता अटूट। तो दर्शकों, ये थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथा और राखी का महत्व। इस बार बहन को केवल भेंट ही नहीं लेकिन सदा उसकी रक्षा करने का वचन भी जरूर देना। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने भाई बहनों के साथ इसे शेयर भी करें। ऐसे ही पौराणिक रहस्यों से भरी जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।